हेलो मेरे स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूँ आप सभी का टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग सर्वेइंग इंजीनियरिंग पढ़ रहे थे और लास्ट क्लास में हमने देखा था बेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में। तो अगर हम बात करें बेल कंडीशन ट्रायंगल का, तो बेल कंडीशन ट्रायंगल के बारे में आपको बताया गया था क्या कि बेल कंडीशन ट्रायंगल मेरा वैसा ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों एंगल, अगर मान लेते हैं क्या, सपोज कीजिए कि ए मेरे पास एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का मैं नाम दे दे रहा हूँ क्या, ए बी एंड सी। तो क्या बोला जा रहा है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल बन रहे हैं, अगर उसके एंगल का अगर हम लोग वैल्यू का बात करते हैं, चाहे वो एंगल ए हो या एंगल बी हो या एंगल सी हो, अगर तीनों एंगल का जो वैल्यू है वो कहां से कहां तक में लाई कर रहा है, तो क्या बोला जा रहा है, अगर उसका वैल्यू जो हो वो 30 डिग्री से ज्यादा हो, क्या बोला जा रहा है कि 30 डिग्री से ज्यादा हो, और अगर 120 डिग्री से कम हो या 30 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में लाई कर रहा हो, तो वैसे ट्रायंगल को हम लोग क्या बोल देते हैं, बेल कंडीशन ट्रायंगल बोल देते हैं। इसके बाद हमने कोसाइन रूल से आपको बताया था कि कैसे हम लोग चेक करते हैं, अगर आपके पास डेटा दिया हुआ है, साइड का लेंथ दिया हुआ है, तो कैसे हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ट्रायंगल जो मेरा होगा वो बेल कंडीशन ट्रायंगल होगा और कौन सा ट्रायंगल बेल कंडीशन ट्रायंगल नहीं होगा। उस पर आपको एक न्यूमेरिकल भी दिया गया था, वो आपने वो किया होगा। अब हम लोग आते हैं उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ना है, वो पढ़ना है क्या, स्केल के बारे में। तो अगर हम बात करें स्केल के बारे में, तो जैसे सपोज कीजिए कि मेनली आपको क्या बताया गया था कि सर्वे का पर्पस क्या होता है, तो सर्वे का बस एक ही पर्पस होता है, वो क्या पर्पस होता है, वो पर्पस होता है मैप प्लॉटिंग करना। तो जैसे ही अगर आप मैप बनाने जाइएगा, तो सपोज कीजिए कि कोई भी एक गाँव है, मान लेते हैं कि यही एक गाँव था, देखिए इस गाँव के बारे में बोल रहे हैं, इस गाँव में मान लेते हैं क्या कि एक घर है, मान लेते हैं क्या कि एक वाटर टैंक है, उसी तरह से मान लेते क्या कि एक खंभा है, अलग अलग चीजें। अब इसको आपको प्लॉट करना है कहाँ पे, मैप पे। तो गांव का जब आप एरिया देखते हो, तो गांव का एरिया तो बहुत बड़ा है, गांव का जो एरिया है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन आपको जो मैप बनाना है, मैप का आपके पास जगह क्या होता है, वो तो कम है। तो ये जो इतने बड़े एरिया को आपको रिप्रेजेंट करना होता है एक छोटे से प्लेन पे, छोटे से पेपर पे, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो स्केल लेना पड़ेगा। स्केल इन द सेंस हम लोग ये बोल देंगे कि इसमें जो 10 मीटर होगा, इसमें जो मेरा 10 मीटर होगा, मान लेते हैं 10 मीटर का जो लंबाई होगा, इसको हम लोग मान लेते हैं कि वो 1 सेंटीमीटर से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो 10 सेंटीमीटर को 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यही आपका स्केल रहता है। उसी तरह से आप क्या देख सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर केस में आपके पास जो है वो छोटा करने के लिए स्केल है, ऐसा भी हो सकता है जैसे मान लेते हैं कि कोई एक आईटी कंपनी में काम कर रहा है, आईटी कंपनी में काम कर रहा है, सपोज ये कि आपको घड़ी बनाने का, जैसे घड़ी दिख रहा है, घड़ी बनाने का ही आपको डिजाइन किया गया कि आप घड़ी का हमको डिजाइन बना करके दे दीजिए। तो जब आप घड़ी का डिजाइन करने जाइएगा, तो आपको क्या दिखाई देगा कि घड़ी तो एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन जब उसका आप मैप तैयार करने जाइएगा, तो मैप में तो आपके छोटे छोटे पार्ट को क्या करना पड़ेगा, बड़ा करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सारा पार्ट तो छोटा छोटा है। तो ये जो छोटे छोटे पार्ट को जब हम लोग बड़ा करेंगे, तो वही कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी आपका किसका फॉर्म हो जाएगा, स्केल का फॉर्म हो जाएगा। मतलब एक बार आप बड़े से चीज को छोटा करके दिखा रहे हो, एक छोटे से चीज को आप बड़ा करके दिखा रहे हो, या फिर सिंपली आपके पास ऐसा भी कंडीशन हो सकता था कि मान लेते हैं कि कोई एक के पास है और इसी स्केल को, मान लेते कोई भी इंस्ट्रूमेंट मान लीजिए, जैसे सपोज कीजिए कि भी हम लोग छोटा सा इंस्ट्रूमेंट मान लेते कि स्केल ही है हमारे पास, अब इसी स्केल को हमको यहाँ पे स्केल बना देना था, तो स्केल बनाने के लिए सेम जितना बड़ा स्केल रहेगा उतना ही बड़ा स्केल हम लोग यहाँ पे बना देंगे। तो जो इसका सेम साइज है, सेम ही साइज वाले स्केल को हम लोग यहाँ पे भी बना दे रहे हैं। तब आपने क्या देखा कि एक बार बड़े से एरिया को हम लोगों को छोटे से पेपर पे दिखाना है, दूसरी बार क्या बोला जा रहा है कि छोटे से इंस्ट्रूमेंट को आपको बड़े से पेपर पे दिखाना है, या फिर जितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट है उतना ही बड़ा इंस्ट्रूमेंट को उसी पेपर पे आपको दिखा देना है। तो आप अलग अलग कंडीशन देख लो, तो इन्हीं सारे चीज को हमको रिप्रेजेंट करने के लिए स्केल का जरूरत पड़ता है। तो स्केल के बारे में बात करें कि स्केल होता क्या है, तो देखिएगा डेफिनेशन क्या लिखा गया कि द रेशियो बाय विच एक्चुअल लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्या बोला जा रहा है कि ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल लेंथ है इज रिड्यूस्ड, या तो आप उसको कम कर रहे हो और इंक्रीज या बढ़ा रहे हो, इज नोन एज स्केल, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केल बोल देते हैं। तो स्केल क्या हो गया कि द रेशियो बाय विच एक्चुअल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट इज आइदर रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड इज नोन एज स्केल। स्केल मेरा क्या हो गया कि जिस रेशियो से आप किसी भी लेंथ को या तो रिड्यूस करके शो कर रहे हो या इंक्रीज करके शो कर रहे हो, तो उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्केल बोल देते हैं। एज फार एज जहां तक हमारे अपने सब्जेक्ट का बात किया जाए,
सर्वेइंग का अगर हम लोग बात करें तो सर्वेइंग में आपको पता है कि पेपर तो आपके पास छोटा सा होता है और जो भी एरिया करना होगा, एरिया तो आपको बहुत बड़ा एरिया का मैपिंग करना होगा, तो उस केस में हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं कि एरिया मेरा बहुत बड़ा रहेगा और उसको रिप्रेजेंट करना रहता है छोटे से एरिया में, तो जनरली हम लोग सर्वे में यही चीज को फॉलो करेंगे। अब आगे हम लोग देखते हैं तो क्या पढ़ेंगे कि स्केल का टाइप क्या क्या होता है। तो अगर स्केल के टाइप्स का बात करें तो सिंपली हम लोग स्केल को दो पार्ट में बांटते हैं, एक को हम लोग बोल देते हैं क्या, तो एक को बोल देते हैं न्यूमेरिकल स्केल और दूसरे को बोल देते हैं ग्राफिकल स्केल। अब समझते हैं कि क्या होता है न्यूमेरिकल स्केल और क्या होता है ग्राफिकल स्केल। अब सिंपली हमने क्या देखा था कि ये जो एरिया था, एरिया में हमने क्या देखा था कि जो मेरे पास एक सेंटीमीटर मैप पे जो डिस्टेंस है एक्चुअली में वो किसके बराबर था, तो एक्चुअली में वो बराबर था 10 मीटर के। मतलब क्या बोल दिया कि ग्राउंड पे आपका 10 मीटर, क्या बोला जा रहा है कि जो ग्राउंड पे है जो 10 मीटर का डिस्टेंस है आप उसको मैप पे कितने सेंटीमीटर से शो कर रहे हो, तो आप उसको मैप पे शो कर रहे हो 1 सेंटीमीटर में। तो ये 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर जो आप लिख रहे हो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर जो आप लिख रहे हो, यही चीज आपका क्या कहलाएगा, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर ही हमारा क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल स्केल कहलाता है। क्योंकि आपने इसके लिए किसका डेटा यूज किया, न्यूमेरिकल डेटा यूज किया, 1 यूज किया है, 10 यूज किया है, दोनों न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं कि ग्राउंड के 10 मीटर को अगर मैप पे 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस टाइप का जो भी स्केल कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, न्यूमेरिकल स्केल कहलाएगा। न्यूमेरिकल स्केल को फर्दर हम लोग दो टाइप में बांट देते हैं, एक को बोल देते हैं क्या इंजीनियर स्केल। इंजीनियर स्केल क्या है कि आप 1 सेंटीमीटर के लाइन को ग्राउंड पे जितना भी डिस्टेंस है उससे शो कर रहे हो वो क्या कहलाएगा, इंजीनियर स्केल कहलाएगा। अब इसी चीज को अगर आप फ्रैक्शन के पार्ट में लिख देते हो, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हो, तो वो आपका क्या कहला जाता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाता है। आगे चल करके हम लोग इसके डिस्कशन के बारे में बात करेंगे, आज की जो क्लास है हमारा उसमें हम लोग सिर्फ टाइप्स देखेंगे, अगले इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग हर एक चीज का डिफिनेशन देखेंगे कि कैसे उसको प्लॉट करते हैं, कैसे उसको ड्रॉ करते हैं, वो सब कुछ सीखेंगे अगले लेक्चर में। आज बस हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं, तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग बात की न्यूमेरिकल स्केल। तो न्यूमेरिकल स्केल में क्या देखें कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उसी को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल स्केल। अब दूसरा जो आ जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं ग्राफिकल स्केल। अब ग्राफिकल स्केल क्या होता है वो समझिएगा, जैसे सपोज कीजिए किसी भी एरिया का आपने मैप तैयार किया, अब आपको पता है कि मैप तो बहुत साल तक रखा रहता है, अब धीरे धीरे क्या होगा जैसे जैसे आपको पता है कि मैप जो मेरा मैप बना हुआ है वो पेपर से बना हुआ है, अब पेपर क्या होता है टेम्परेचर कमने के कारण श्रिंक करेगा या हो सकता है कि टेम्परेचर बढ़े तो वो एक्सपेंड भी कर सकता है। मतलब अगर सपोज कीजिए कि मैप पे मैंने कुछ ऐसा एक डिजाइन बनाया है, अब जब मैप मेरा इंक्रीज कर जाएगा तो लेंथ इंक्रीज कर जाएगा या अगर मैप मेरा श्रिंक कर जाएगा, जनरली यही देखा जाता है। आप भी देखते होंगे क्या कि जो आपके घर में पेपर, जैसे आप जिस भी पुराने ईयर का कॉपी निकालिए या फिर पिछले जैसे टेंथ का अगर आप कॉपी निकाल करके देखिएगा तो क्या देखिएगा कि आपका पेपर जो हो गया वो टेढ़ा मेढ़ा हो गया या फिर उसका पेज का साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, नेकेड आई से तो आप उसको नहीं देख सकते, लेकिन अगर आप उसके एक्चुअल लेंथ को जब आप मेजर कीजिएगा तब आपको पता चलेगा क्या कि जो मेरा एक्चुअल लेंथ है वो थोड़ा सा कम हो गया, थोड़ा छोटा हो गया। तो आपने क्या देखा कि जो एक्चुअल मेरे पास मैप ऐसा था अब बहुत समय गुजर जाने के कारण ये थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, अब श्रिंक कर जाएगा और अगर आपने इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से यूज किया होगा या न्यूमेरिकल स्केल से शो किया होगा तो अब तो ये लाइन छोटा हो चुका है, लेकिन आप उसको माने कितना थे कि 1 सेंटीमीटर अभी भी मेरा 10 मीटर को शो करेगा, तो उस तो आपके पास क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। पहले 1 सेंटीमीटर कुछ बड़ा सा लाइन होता, लेकिन अब तो 1 सेंटीमीटर कुछ छोटा सा लाइन हो गया होगा, मतलब इससे गड़बड़ हो गया। तब उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल स्केल का हेल्प लेते हैं। अब ग्राफिकल स्केल में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मैप बनाते हैं मैप के ऊपर में कॉर्नर में ही हम लोग एक स्केल बना देते हैं और उसमें सारा जो भी डेटा लिए हैं वो डेटा हम लोग यहाँ पे बता देते हैं कि इतना जो सेंटीमीटर है वो इस डेटा को इस वैल्यू को शो कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ग्राफिकल स्केल बोल देते हैं। आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे ग्राफिकल स्केल के हेल्प से हम लोग मेजर करते हैं कोई भी जो हमारा मैप होगा उस मैप को। आगे यही लिखा गया क्या कि न्यूमेरिकल स्केल, न्यूमेरिकल स्केल को हम लोग कितने पार्ट में बांट दिए, दो पार्ट में, एक को बोल दिए थे इंजीनियरिंग स्केल और दूसरे को बोल दिए थे रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। इंजीनियरिंग स्केल के बारे में क्या बताया गया, तो इंजीनियरिंग स्केल के बारे में यही बताया गया कि जो आप मैप पे जितना लेंथ ले रहे हो अपॉन में ग्राउंड में जितना उसका एक्चुअल डिस्टेंस है उसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, तो उसको बोल देते हैं इंजीनियरिंग स्केल। अगर इसी इंजीनियरिंग स्केल को अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे आरएफ के बारे में और इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। उस तरह से जब हम लोग ग्राफिकल स्केल को पढ़ रहे होंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे श्रिंकेज फैक्टर के बारे में कि क्योंकि आपको पता है कि पेपर है तो पेपर तो श्रिंक करेगा, तो कितना से श्रिंक कर रहा है, श्रिंकेज फैक्टर क्या हो रहा था, तो ये हम लोग मॉड्यूल्स में।
इसके बाद देखते हैं क्या कि नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो किया जाता है वो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे किया जाता है कि आपका जो ग्राउंड का डिस्टेंस है, ग्राउंड का जो डिस्टेंस है आप उसको मैप पे कैसे प्लॉट कर रहे हो। जैसे सपोज कीजिए कि ग्राउंड पे मेरा एक बहुत बड़ा सा एरिया था जिसमें आपका स्कूल भी है, घर भी है, बिल्डिंग भी है, सब कुछ है। अब उसको आपको ये 4x4 साइज के मैप पे प्लॉट करना है, तो अब उतना बड़ा स्कूल को तो आप वहां पे प्लॉट कर नहीं सकते हो। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि उसका जो लेंथ होगा, उसका जो साइज होगा, साइज को आप कम कीजिएगा। तो जब साइज को हम लोग रिड्यूस करते हैं तो उस स्केल को हम लोग बोल देते हैं क्या, रिड्यूसिंग स्केल। तो वो क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग स्केल। अब उसी तरह जैसे सपोज कीजिए कि मेरे हाथ में घड़ी है, अब इस घड़ी के ड्रॉइंग को हमको प्लॉट करना होता है यहाँ पे, तो अब घड़ी का पार्ट क्या है, छोटा है। आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बड़ा कर करके शो करना होगा मैप में। तो जब छोटे से स्केल को जब बड़ा करके हम लोग शो करते हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इंक्रीजिंग स्केल और इनलार्ज स्केल। अब कभी कभी क्या होता है कि कोई इक्विपमेंट मान लेते हैं, जैसे क्या अभी मैंने आपको बताया था कि ज्योमेट्री बॉक्स में जो हम लोग स्केल यूज करते हैं, तो सपोज कीजिए कि यही स्केल है और इतना ही बड़ा स्केल को हमको मैप पे शो करना है, तो आपको जैसा स्केल है वैसा ही स्केल आप यहाँ पे भी बना सकते हो। तो अगर सेम साइज के स्केल को अगर आप मैप पे प्लॉट करोगे तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, फुल साइज स्केल। नाम ही सजेस्ट कर रहा है क्या, जितना बड़ा इसका साइज होगा उतना ही बड़ा आप मैप पे डिस्टेंस शो करोगे। तो जो लेंथ यहाँ पे है वही लेंथ यहाँ पे शो कर रहे हो, इसलिए उसको बोल दिए फुल साइज स्केल। अगर इसके लेंथ बहुत बड़ा हो जाए, जैसे हम लोग एरिया का बात किए थे, तो वो उसके केस में आप क्या कीजिएगा, मैप पे उसको छोटा करके दिखाइएगा, रिड्यूस करके दिखाइएगा, तो उसको हम लोग बोल देते हैं रिड्यूसिंग स्केल। अगर वही हमने बात किया था क्या कि नैनो, जब आप लोग नैनो इंजीनियरिंग एक ब्रांच होता है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पढ़ना होता है। अब जब छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में पढ़िएगा तो वो तो खुद छोटा सा है, तो आपको पढ़ने के लिए उसको बड़ा एक सा फिगर बनाइएगा। तो वो जो छोटे पार्ट को जब हम लोग इनलार्ज करके शो करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इनलार्ज स्केल या इंक्रीजिंग स्केल। तो एक क्लासिफिकेशन यहाँ पे भी हो जाता है। उसके बाद जब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का बात करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो वो प्लेन स्केल से पूछे या डायगोनल स्केल से पूछे। आप लोग ऑलरेडी ग्राफिक्स में भी ये दोनों टॉपिक्स पढ़ चुके होंगे, लेकिन वर्नियर स्केल के बारे में आप लोग नहीं पढ़े होंगे। लेकिन एक क्लासिफिकेशन ये भी होता है, क्या बोलता है, एक प्लेन स्केल, एक डायगोनल स्केल, एक वर्नियर स्केल, एक कंपैरेटिव स्केल और एक स्केल ऑफ कॉर्ड। तो अगर हम बात करें प्लेन स्केल का, तो प्लेन स्केल क्या बोला जाता है, अगर डिफिनेशन हम लोग देखेंगे सिंपली से समझिए कि अगर दो कंजिक्यूटिव यूनिट, अब दो कंजिक्यूटिव यूनिट क्या हो जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा क्या कि मीटर और डेसीमीटर, तो मीटर और डेसीमीटर दो कंजिक्यूटिव यूनिट है। अब दो कंजिक्यूटिव यूनिट को अगर आपको शो करना होगा तो उसके लिए आप किसका हेल्प लीजिएगा, प्लेन स्केल का। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी स्केल का अगर हम लोग बात करें तो सिंपली हमारे पास स्केल ऐसा ही रहता है। अब इसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे रीडिंग रहता है 0, यहाँ पे रहता है 1, यहाँ पे रहता है 2, यहाँ पे रहता है 3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आप क्या देखते हो कि ये जो 1 सेंटीमीटर है इसमें फर्दर हम लोग 10 पार्ट में इसको डिवाइड कर देते थे। अब जब 10 पार्ट में डिवाइड कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो आपका 1 मीटर है, लेकिन इन दो छोटे छोटे पार्ट के डिस्टेंस का बात करें तो ये आपको किसका डिस्टेंस शो करता है, डेसीमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है। तो अगर आपको दो कंजिक्यूटिव यूनिट का डिस्टेंस शो करना होगा तो उसके लिए आप लोग किसको क्या पढ़ना होगा, प्लेन स्केल। तो आगे हम लोग देखेंगे कि प्लेन स्केल क्या होता है, कैसे हम लोग प्लेन स्केल को ड्रॉ करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, डायगोनल स्केल। जस्ट प्लेन स्केल से थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पे हम लोग दो कंजिक्यूटिव यूनिट का बात कर रहे थे, अगर 3 कंजिक्यूटिव यूनिट का बात किया जाए मतलब मीटर, डेसीमीटर और सेंटीमीटर। अगर 3 कंजिक्यूटिव यूनिट का बात कर दिया जाए, जैसे क्या आपको अगर यहाँ पे आपको शो करना होता तो आप शो कर सकते थे 1.2, 3.5, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस आ जाए 3.54, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, एक आपके पास मीटर का यूनिट है, एक आपके पास डेसीमीटर का है, एक आपके पास सेंटीमीटर है। तो अगर 3 कंजिक्यूटिव यूनिट शो करना होगा तो वहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, डायगोनल स्केल के बारे में पढ़ते हैं। जब डायगोनल स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल भी आपको 3 कंजिक्यूटिव यूनिट का ही मेजरमेंट करता है, बट उसका एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब अगर छोटे से डायमेंशन को आपको मेजर करना हो और बहुत एक्यूरेटली मेजर करना हो तो वहां पे हम लोग किसका हेल्प ले लेते हैं, वर्नियर स्केल का हेल्प ले लेते हैं। वर्नियर स्केल के बाद आता है कंपैरेटिव स्केल। तो कंपैरेटिव स्केल हम लोग क्या करते हैं, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है ये तीनों, लेकिन फिर भी बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा ताकि एसएससी का जो भी क्वेश्चन हो या फिर आपसे बोले कोई भी 1 डे एग्जाम का आप प्रिपरेशन करते हो तो वहां पे इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। जनरली वर्नियर से जो पूछा जाता है क्वेश्चन कि क्या होता है वर्नियर का टाइप, तो हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होता है डायरेक्ट वर्नियर, क्या होता है रेट्रोग्रेड वर्नियर, कैसे डिवीजन लिया जाता है डायरेक्ट वर्नियर में, कैसे रेट्रोग्रेड वर्नियर में, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जब कंपैरेटिव स्केल का बात करते हैं, तो जब आप दो स्केल लेते हो और दोनों के बीच में कंपेयर करोगे तो कंपेयर करने के लिए हम लोग कंपैरेटिव स्केल का हेल्प लेते हैं। वही अगर बात किया जाए स्केल ऑफ कॉर्ड का, तो स्केल ऑफ कॉर्ड का क्या क्या यूज होता है, जैसे सपोज कीजिए कि अगर आपके पास कोई लेंथ है कोई जिसको मेजर करना है,
उसका शेप कुछ ऐसा है, तो वहां पे आपको मेजरमेंट करने के लिए डायरेक्ट स्केल से तो आप इसका यूज कर नहीं सकते हो। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली तो सर्वे में तो हम लोग इसके लिए थ्रेडिंग का हेल्प ले लेते हैं। एक धागा लेते हैं, धागा को सिंपली यहाँ पे आप एक पेग डाल दीजिए, यहाँ पे आप पेग डाल दीजिए, यहाँ पे पेग डाल दीजिए और धागा को यहाँ से ऐसे बांध दीजिए, तो जो धागा का लेंथ होगा वही आपका इसका लेंथ होगा। लेकिन कॉर्ड लेंथ से, कॉर्ड के हेल्प से भी हम लोग क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट करते हैं। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। तो जब अगले क्लास में मिलेंगे तो इन्हीं सारे स्केल्स के बारे में डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए।